डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हेन आवर ट्रेन इज अनयूजुअली डिलेड को हिंदी में बोलते हैं असामान्य रूप से विलंबित होना। तो इसकी एक परिभाषा है और उसमें हमारी ड्यूटी क्या है, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ लोको पायलट एंड गार्ड इन केस ट्रेन इज अनयूजुअली डिलेड इन द ब्लॉक सेक्शन। और अनयूजुअल डिलेड ट्रेन किस ट्रेन को बोलेंगे, सो व्हाट इज द डिफिनेशन। डिफिनेशन इज फॉर पैसेंजर ट्रेन इफ इट हैज नॉट क्लियर द सेक्शन। यदि इस पैसेंजर ट्रेन ने ब्लॉक सेक्शन क्लियर नहीं किया है, कितने समय में, रनिंग टाइम प्लस 10 मिनट्स, रनिंग टाइम बीत गया प्लस 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, फिर भी सेक्शन क्लियर नहीं हुआ, सो दैट ट्रेन विल बी ट्रीटेड एज अनयूजुअली डिलेड ट्रेन। एंड सेकेंड, गुड्स ट्रेन के लिए रूल क्या है, रनिंग टाइम प्लस 20 मिनट। कि ये गुड्स ट्रेन रनिंग टाइम बीत गया प्लस 20 मिनट बीत गया एंड इट हैज नॉट क्लियर द सेक्शन, देन दैट गुड्स ट्रेन इज ट्रीटेड एज अनयूजुअली डिलेड ट्रेन। देन व्हाट इज आवर ड्यूटी। सो one thing, securing for passenger train guard should apply the handbrake of the SLR, loco pilot he should apply A9 SA9, skids or wedges should be kept towards the falling gradient, and for goods train also similarly we have to secure the formation। securing का meaning always क्या होता है, हैंड ब्रेक apply करना और skids wedges लगाना, A9 SA9 यानी formation brake A9 और loco brake SA9 apply कर देना, so that formation should not roll down, उसे roll back नहीं होना चाहिए, that is the meaning of securing। स्किट्स वेजेस लगाना भी उसी में शामिल है। अनदर थिंग, प्रोटेक्शन, व्हेनेवर ट्रेन इज डिलेड इन द ब्लॉक सेक्शन, नॉर्मल ब्लॉक सेक्शन मोर देन 15 मिनट, एंड सपोज इट इज इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन देन मोर देन 10 मिनट्स, एंड ट्रेन इज इन द ब्लॉक सेक्शन वेटिंग, देन इट शुड बी प्रोटेक्टेड एज पर रूल GR 6.03, जैसा कि आप लोग जानते होंगे 600 मीटर 1 डेटोनेटर, 1200, 1210, 1220 मीटर 3 डेटोनेटर्स। सो सपोज इट इज सिंगल लाइन, देन बोथ साइड टू बी प्रोटेक्टेड, एंड इन केस इट इज डबल लाइन, देन ओनली रियर साइड टू बी प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्शन टू बी डन एंड एज पर द सिचुएशन, कि व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द प्रॉब्लम, एज पर दैट वी हैव टू फॉलो द प्रोटेक्शन रूल। अनदर थिंग, व्हेन एवर एनी ट्रेन इज डिलेड इन द ब्लॉक सेक्शन, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ लोको पायलट एंड गार्ड, हमारा एक मेन इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है प्रोटेक्शन और सिक्योरिंग के अलावा, अदर देन प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिंग व्हाट इज अनदर ड्यूटी, सॉरी, to give information to the station master and section controller, that is also very very important, through walkie talkie or through any other means of communication, message should reach to station master and section controller। Now one more point is there here, suppose train is stopped at a gradient, what is the gradient, 1 in 150 or steeper, 1 in 150 gradient hai ya usse zyada steeper gradient hai, and train is
वेटिंग फॉर मोर देन 15 मिनट, 15 मिनट से ज़्यादा गाड़ी रुक गया है और ग्रेडियंट पर गाड़ी है, सो कैसा सिक्योरिंग करना चाहिए, प्रोटेक्शन एंड ऑल, दैट इज आवर कॉमन ड्यूटी, दैट इज टू बी टेकन केयर। प्रोटेक्शन वगैरह जो हमें करना है करना है, उसके पहले जो सिक्योरिंग है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिक्योरिंग कैसा करना है, बिकॉज ग्रेडियंट इज वेरी स्टीप, 1 in 150, सो फॉर दैट पर्पज हैंड, इन केस ऑफ गुड स्ट्रेंथ, हैंड ब्रेक ऑफ मिनिमम 1/3 नंबर ऑफ वैगन शुड बी अप्लाइड। टोटल वैगन का, सपोज टोटल हमारे पास 59 + 1 = 60 वैगन्स है, सो उसका 1/3 कितना होता है, 20 वैगन्स। सो 20 वैगन्स के ऊपर हैंड ब्रेक लगाना चाहिए। ब्रेक वैन का भी हैंड ब्रेक लगाना है, स्किड्स वेजेज भी लगाना है, A9 SA9 वो कॉमन है। ओके, देन सपोज ट्रेन इज वेटिंग एट ग्रेडियंट 1 in 150 मोर देन 15 मिनट, देन मिनिमम 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैगन्स आर मिनिमम 10 वैगन्स फ्रॉम इंजन साइड एंड 5 वैगन्स हैंड ब्रेक फ्रॉम ब्रेक वैन साइड प्लस हैंड ब्रेक ऑफ ब्रेक वैन विच एवर इज मोर। मीनिंग क्या हुआ, 10 कम से कम 10 वैगन का हैंड ब्रेक इंजन का तरफ से लगाना है और 5 वैगन का हैंड ब्रेक ब्रेक वैन की तरफ से लगाना है, या टोटल वैगन का 1/3 जो भी गिनती में ज़्यादा आए। सपोज देखिए 60 वैगन्स है हमारा, तो 60 वैगन्स का 1/3 कितना हुआ, 20 वैगन्स। अब हमने 10 आगे लगाया 5 पीछे, तो टोटल वैगन कितना हो गया हैंड ब्रेक लगा हुआ, 15 वैगन्स, और 1/3 कितना होता है, 20 वैगन्स। सो 5 कम है, जो ज़्यादा गिनती है उतना हैंड ब्रेक लगाना है, सो 5 मोर वैगन्स हैंड ब्रेक टू बी अप्लाइड। सो उसमें प्रोपोर्शनेटली वी कैन डिस्ट्रीब्यूट, 3 आगे और लगा देंगे, 2 और पीछे लगा देंगे, तो आगे हो जाएगा 13 और पीछे हो जाएगा 7, और ब्रेक वैन का हैंड ब्रेक लगा है, स्किड्स वेजेस कंपलसरी रखना है फॉलिंग ग्रेडियंट की तरफ, सो दैट इज द प्रॉपर सिक्योरिंग ऑफ गुड्स ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन सिंस हैंड ब्रेक इज नॉट अवेलेबल ऑन द कोचेज, सो हैंड ब्रेक ऑफ द SLR इंजन में फॉर्मेशन ब्रेक एंड स्किड्स एंड वेजेस दैट मस्ट बी अप्लाइड। अब गुड्स ट्रेन में एक क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि ये 10 वैगन का हैंड ब्रेक जो इंजन की तरफ लगाना है वो कौन लगाएगा, एंड हु विल अप्लाई द हैंड ब्रेक्स 5 वैगन्स फ्रॉम ब्रेक वैन साइड। सो असिस्टेंट लोको पायलट एंड लोको पायलट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अप्लाई द हैंड ब्रेक्स फ्रॉम इंजन साइड, इंजन का तरफ की से जो वैगन का हैंड ब्रेक लगाना है असिस्टेंट लोको पायलट के द्वारा किया जाना चाहिए, और ब्रेक वैन की तरफ से जो लगाना है वो गार्ड के द्वारा किया जाना चाहिए, दैट शुड बी डन बाई द गार्ड। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ अनयूजुअल डिले, एंड ऑलवेज कीप इन माइंड whenever anything unusual, information should be given on top priority to station master and section controller and our power controller for loco pilots, power controller and TLC, they are in the control office as our guide. So loco pilots, they should communicate any problem, they should communicate to PRC and TLC, any one of them. As per rule, we are informing to station master and section controller. But for loco pilot, PRC and TLC, we must inform, they will guide, they will help in our unusual situation. Let it be any type of unusual. So keep informing and keep good spirit of working, safe working. And I think you have understood the points. In case of any doubt, please ask in the comment box and I will definitely reply. Please like the video, subscribe already if you have not subscribed,
एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ग्रुप्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.